हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को फर्स्ट प्रीलियम पेपर मैथ वन का लेकर आ चुका हूं। तो यहां पे 10 तारीख का देख रहे हो, 10 तारीख का एग्जाम हो चुका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे लोग का अभी तक एग्जाम नहीं चालू हुआ, प्रीलियम एग्जाम या सेकेंड हो रहा है, तो भी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम तो 100% आप लोग देने वाले हो, तो इसको भी प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग का 40 नंबर का रहता है, 2 घंटे का आप लोग का टाइम रहता है। तो किस तरीके से पेपर आता है उसको मैं आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला रहता है उसमें ए रहता है और आप लोग का बी रहता है। इसमें चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव सिंपल सा आंसर रहता है, सिंपल से 4 नंबर के लिए रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सिंपल से इसको सॉल्व, अगर आप लोग को अच्छी तरीके सॉल्व करने आएगा तो इजीली आप लोग निकाल सकते हो। A11 mark के क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल से देखोगे इसे ढूंढ के आप लोगों को सिंपल से इसमें जो अगर इसको सॉल्व करोगे डी का मान इजिली निकल जाएगा, जो रहेगा आप लोग इसे टिक आउट कर सकते हो, अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों का 4 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर के लिए। उसके नीचे आप लोग देखोगे बी वाला, ध्यान से देखना, बी वाला आप लोग का क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें भी 1-1 mark का क्वेश्चन रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ए दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का अगर आप लोग करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 4 नंबर के लिए रहता है, मतलब एक एक नंबर का इसमें से करना रहता है, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, सिंपल रहता है। यहाँ पे देखोगे 2x-3y = 15 दिया है, 3x-2y दिया है = 10। अपने फाइंड आउट क्या करना है, x-y, बस इजी है। बस आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को 1 mark, 2 mark और 3 mark का करके 29-30+ कैसे नंबर लाएं, अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना। यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 आ जाता है, 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ए रहता है और इसमें भी बी रहता है, ध्यान से देखना, ए और बी इसमें के अंदर भी रहता है। इसमें क्या रहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी अंदर री राइट देम, मतलब इसमें क्या रहता है, एनी 2 करना रहेगा, 3 क्वेश्चन दिया रहता है। ध्यान से सुनना, इसमें जितना पूछा जाए, जितना इसके अंदर बॉक्स के अंदर आए उतना ही आप लोग करना है, अदरवाइज अपने थोड़ा भी दिमाग लगाओगे कहीं इसके बाहर एक्स्ट्रा करोगे तो नंबर कट जाता है। जितना इसके अंदर बॉक्स के अंदर आएगा वही चीज आप लोग को इसमें भरना रहता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखोगे सेकंड वाला भी दिया गया, सेकंड वाले में भी आप लोग को सॉल्व करना बहुत ईजी है, देख रहे हो यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, ऐड किया होगा, ये चीज यहाँ पे कट गया है और यहाँ पे बस इसको जोड़ के यहाँ लिखना है और इसको यक्स इधर और इसको जब उस साइड लेकर जाओगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इजिली। और मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से पेपर आते हैं। तो दोस्तों वहां पे आप लोग का यक्स का मान फाइंड आउट हो जाएगा, यक्स का जब मान फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें आप लोग को कोई भी इक्वेशन में आप लोग रख के इजिली निकाल सकते हो वाई का मान। अब ये चीज इसमें से 2 ही करना था, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाला भी दिया, जो आप लोग को इजी लगता है तो आप लोग कर सकते हो, इसीलिए बोला आप लोग को अगर 1 mark, 2 mark और 3 mark का करके 30+ कैसे नंबर लाए, अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना है। और यहाँ पे देखोगे बी वाला भी दिया गया, बी वाले में क्या करना है ध्यान से देखना, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ सॉल्व द फॉलोइंग दिया गया है, इसमें एनी 4 करना है आप लोगों को, 5 दिया गया है, मतलब ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही है, 2-2 नंबर का। सोचो छोटा छोटा करके आप लोग 30+ नंबर ला सकते हो। तो आप लोग को वीडियो चाहिए तो 100% कमेंट करना, आप लोगों को कल ही वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें ए रहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी 1 करना रहेगा, सिंपल सा 1 करना रहेगा, 2 एक्टिविटी दिया रहेगा आप लोग को, सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इजिली आप लोग इसके अंदर भर सकते हो। यहाँ पे ए और बी और सी का मान भी फाइंड इसमें निकाल के दिया, आप लोग को निकालने की जरूरत भी नहीं। और मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से होता है पेपर, ये प्रैक्टिस करके रख लो। और आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना, 1 mark, 2 mark और 3 mark क्वेश्चन करके 30+ कैसे नंबर लाएं। अब यहाँ पे देखोगे दूसरा क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूरा एसडीटेक चैनल पे पूरा चैप्टर का बना हुआ वीडियो, बट आप लोग को चाहिए कि किस तरीके से 1 mark, 2 mark और 3 mark का क्वेश्चन करके अलजेब्रा और ज्योमेट्री में 30+ कैसे नंबर लाएं, वो आप लोग बस कमेंट करो, 100% उसे टॉपिक पे वीडियो 100% लाऊंगा, आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो इजिली। अब यहाँ पे देखोगे बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे का सॉल्व द फॉलोइंग एनी 1,
आप लोग को इसमें भी एनी वन करना है, एनी टू करना है, कितना एनी टू, ये भी तीन तीन नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तीन नंबर देख रहे हो। इसमें भी आप लोगों को चार दिया, चार में से कोई भी दो करना है, इसलिए आप लोगों का तीन तीन नंबर का एक एक क्वेश्चन है। इसीलिए बोला आप लोग को चाहिए वीडियो तो आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि अलजेब्रा और ज्योमेट्री का पैटर्न सेम है। अब इसमें क्वेश्चन जो चौथा है उसमें सॉल्व एनी वन एनी टू करना है, इसमें भी टू करना है आप लोगों को, चार नंबर का, चार नंबर का क्वेश्चन है, चार चार नंबर का देख रहे हो। यहाँ पे दो दिया गया है और मैं आप लोग को और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पे तीसरा वाला है, कोई दो करना था आप लोग इजिली कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर जो पांचवा रहता है उसे सॉल्व एनी वन करना है, तीन नंबर का, सोचो फिर से तीन नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले। इसके लिए बोल रहा हूँ बार बार आप लोग को, बहुत बार आप लोग को बोला कि आप लोग बस एक कमेंट करना, सर हमें चाहिए वो वीडियो जिसमें वन मार्क टू मार्क और थ्री मार्क का क्वेश्चन करके अलजेब्रा और ज्योमेट्री में 30+ कैसे नंबर लाएं। तो बस आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। बस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी 100% सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में।